नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंद में होंगे। आज का राशिफल यानी 9 अक्टूबर क्या कहते हैं आपके सितारे, आइए जल्दी से जानते हैं। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। शुरुआत करते हैं आप सुबह के संक्षिप्त पांचांग से। सूर्योदय होगा 6:22 AM पर, सूर्यास्त है 5:52 PM पर, तिथि है कृष्ण पक्ष सप्तमी, नक्षत्र है आद्रा, योग है परिधि वार शुक्रवार, चंद्र राशि मिथुन। अभिजीत मुहूर्त 11:45 AM से लेकर 12:31 PM तक, राहु काल जो है 10:41 AM से लेकर 12:08 PM तक। तो जैसा कि आप जानते हैं कि राहु काल में सावधानी और अभिजीत मुहूर्त में अच्छे काम, जितना वक्त मिले शुभ समय का उतने में ही शुभ काम करिए। और अगर आज आपका जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है, तो आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल से जुड़ना, अगर आपको अच्छा लगे तो जुड़ जाइए, नहीं लगता है तो सलाह दीजिए और बताइए कि क्यों नहीं जुड़ना चाहते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे आपके राशिफल की। कुंभ राशि, बच्चों के लिए आज का दिन बहुत ही बढ़िया है। जो भी लोग प्रेम संबंधों में हैं, बहुत बढ़िया बीतेगा, यानी आज का दिन सौभाग्यशाली रहेंगे आप। प्यार, व्यापार और पैसा तीनों जगह पर आज आपकी जो तूती बोलने वाली है, यानी कि आज आपका ये पलड़ा भारी रहेगा। प्यार, व्यापार और रोजगार, प्रेम संबंध भी बढ़िया है, बच्चे भी आज बहुत बढ़िया पढ़ाई लिखाई करेंगे, सौभाग्यशाली रहेंगे आप। व्यापार आगे बढ़ाने के जो आपके सपने हैं वो पूरे हो सकते हैं। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, नौकरी प्राप्त हो सकती है या कोई बात बन सकती है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनका वक्त सही तरीके से बीतेगा, टेंशन फ्री बीतेगा, अच्छे से अपना काम समाप्त करके घर वापस आएंगे। अगर आप सट्टेबाजी या लॉटरी वगैरह या इन सब में रुचि रखते हैं या जानकारी रखते हैं तो किस्मत आजमाइए, किस्मत चमक सकती है, लेकिन जानकार व्यक्ति किस्मत आजमाए, अनाड़ी आदमी ना आजमाए। कुल मिलाकर आपका दिन बढ़िया बीतेगा, आपकी सेहत भी बढ़िया रहेगी। अगर आज कोई आपका दोपहर से पहले कोई बहुत ज़रूरी काम है तो उसको कर लीजिएगा। आज आपको कोई बढ़िया दोस्त मिलने आ सकता है आपसे, या उससे मुलाकात हो सकती है, बात हो सकती है, कोई रूठा मांग सकता है, आप किसी की सहायता भी आज कर सकते हैं। कोई बड़े दिनों से आपके आगे पीछे चक्कर लगा रहा हो तो आज शायद आपको उस पर दया आ जाए, तो आज उसकी आप सहायता पैसों से या तन मन धन किसी भी तो प्रकार से सहायता कर सकते हैं। यानी आज आप काफ़ी सोशल और भावुक हृदय के होंगे। तो एक बात ये जान लीजिए कि आज आपको दोपहर के बाद किसी पर भी बहुत ज़्यादा यकीन नहीं करना है, किसी अनजान पर। एक तो बहुत ज़्यादा यकीन करके आपको कोई लूटा जा सकता है। आप कोई भी काम करें, पहले उस काम की हकीकत को जान लें कि इसमें कितना सच है, कितना झूठ है, उसके बाद उस काम को करने की हामी भरिए। ये थोड़ी सावधानियाँ हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, बाद में नहीं तो पछताना पड़ सकता है। आज आपको जीवन साथी या प्रेम संबंध में आपके प्रेमी प्रेम का जो भी, उनके साथ तालमेल बिठाने की आवश्यकता होगी। घर हो या बाहर हो, मेहनत करनी पड़ेगी, एक दूसरे से तालमेल बिठाना पड़ेगा। मेहनत के बाद आराम मिलेगा और आराम के बाद बहुत बढ़िया सुख भी मिलेगा। शुभ परिवर्तन हो सकता है, आत्मविश्वास बनाए रखें और आगे बढ़ें, मौज करें, इंजॉय करें अपने काम को, और बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ते हैं तो समझदारी से आगे बढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आज आपका दिन जो है बीच बीच में कहीं कहीं पे ऐसा टर्निंग पॉइंट ले लेगा जहाँ पर कुछ समझ में नहीं आएगा, ऐसे लगेगा कि क्या करें क्या ना करें, अचानक से फैसला भी लेना पड़ सकता है, बस 5 मिनट हैं, हाँ या ना में जवाब देना है, तो उस समय समझ में नहीं आएगा कि क्या करें, इससे पूछें, उससे पूछें, या खुद फैसला लें, या सिक्के का हेड टेल करें, ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है। तो वहाँ पर मैं यही कहूँगा, ठंडे दिमाग से सोचिएगा, गहरी लंबी सांस लीजिएगा, अपने ईश्वर को याद करिएगा, माता पिता को याद करिएगा, उसके बाद ईश्वर आपको सही मार्ग दिखा देंगे। तो बहुत संभल कर रहिएगा कुछ मामलों में, वरना दिन आपका आज बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है। हनुमान जी की उपासना करिए, शिव जी की उपासना करिए, माँ गायत्री की उपासना करिए। माँ गायत्री को जितना आज आप स्मरण करेंगे उतना आपके लिए लाभदायक रहेगा, बुद्धि निर्मल बनी रहेगी और गणेश वंदना से कष्ट मिटेंगे। तो ये था आज आपका राशिफल कुंभ राशि वालों के लिए। बात हम यहाँ पर कुछ दिनों से कर रहे हैं लाजवर्द रत्न की। तो अब लाजवर्द रत्न जो है हमारी तरफ से, हमने आपको कहा कि जो लोगों को फ्री दिया जा रहा था वो 2-4 दिन और हैं, उसके बाद ये हम फ्री वाला, क्योंकि हमारे पास स्टॉक खत्म हो रहा है, जाहिर सी बात है हम फ्री नहीं दे पाएंगे। तो आप में से जो भी लोग लाजवर्द रत्न अभी भी लेने के इच्छुक हैं वो
एक दो दिन में अपनी बुकिंग करा कर ले लें, अन्यथा आप कहेंगे कि हमें फ्री नहीं दिया, हमें फ्री नहीं दिया, फिर बाद में मुश्किल हो जाती है। तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा। और क्या आप ये सोच रहे हैं कि आगे आने वाला वक्त कैसे बेहतर होगा? क्या आप ये सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं जिससे मेरा आगे आने वाला वक्त बढ़िया हो जाए? क्या आप ये सोच रहे हैं कि जब वक्त बढ़िया हो जाएगा तो मेरे को क्या क्या खुशियां मिलेंगी? क्या आप ये सोच रहे हैं कि ये पुराने गम के दिन थे, ये कब सुख में बदलेंगे? तो जी हाँ, अगर आप मिथुन राशि के हैं, कुंभ राशि के हैं, तुला राशि के हैं, धनु राशि के हैं, मकर राशि के हैं या लग्न के हैं, और तो आपके ऊपर शनि की साढ़े साती और ढैया का प्रभाव है, और शनि को अगर दोस्त बना लिया, राहु केतु जैसे अशुभ ग्रहों को अपना दोस्त बना लिया, तो कलयुग में आपका बोलबाला हो सकता है। जीवन का जो भी कष्ट है, जो भी परेशानी है, जो भी तकलीफ है, चाहे वो शनि राहु केतु की वजह से है, मानसिक चिंता हो, चाहे शारीरिक चिंता हो, चाहे पीड़ा हो, उन सबसे अगर आपको मुक्ति पानी है, पैसा कमाना सबका ही उद्देश्य होता है, या तो आप पैसा कमाना चाहते हैं या फिर एक अच्छा स्वस्थ शरीर चाहते हैं, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि अगर हमारे पास ज्ञान है, बुद्धि है, तो दुनिया की दौलत हमारे पास है, तो इनमें से कोई भी चीज़ की अगर आप इच्छा रखते हैं तो आपको लाजवर्त रत्न पहन लेना चाहिए आंख बंद करके। ये लाजवर्त रत्न अनेक अशुभ चीज़ों से आपको मुक्ति दिलाएगा, अशुभ प्रभावों से मुक्ति दिलाएगा, तंत्र मंत्र भूत प्रेत बाधा से मुक्ति दिलाएगा, परीक्षा कंपटीशन में विजय दिलाएगा, जो याद करेंगे वो भूलेंगे नहीं, जहाँ जाएंगे वहाँ पर आपकी पहचान होगी, कोई रोग है तो वो जल्दी सही हो जाएगा, कोई बुरी एनर्जी, बुरी ताकत जो है, जो आपको दिखाई नहीं पड़ रही आंखों से, वो आपसे दूर हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर आपको हर तरीके से सुरक्षित रखेगा ये लाजवर्त रत्न, एक्सीडेंट से बचाएगा, दुश्मनों से बचाएगा, तंत्र मंत्र से बचाएगा, भूत प्रेत जादू टोने, काला जादू, पीला जादू, हरा जादू, जितने तरीके के जादू होते हैं दुनिया में, उन सभी प्रकार के जादू टोनों से आपको बचाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी बुद्धि को निर्मल करेगा, आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा, उससे ज़्यादा खास बात यह है कि आपके घर में वास्तु दोष को शांत करेगा, और जहाँ पर वास्तु दोष शांत हो जाते हैं वहाँ पर इंसान की तरक्की शुरू हो जाती है, चाहे घर हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे कुछ भी हो। तो एक पत्थर जब इतनी सारी चीज़ें अच्छी कर सकता है, और आपके ऊपर शनि की साढ़े साती और ढैया भी है आपकी राशि के ऊपर, तो फिर आपको ये जरूर पहनना चाहिए। तो ये लॉकेट के रूप में हम दे रहे हैं, लॉकेट के साथ में एक लाजवर्त रत्न का स्टोन फ्री है, और सात मुखी रुद्राक्ष जो लोग लेते हैं उनको भी एक लाजवर्त रत्न का स्टोन फ्री दे रहे हैं। ये स्कीम बहुत दिनों से चल रही है, अब अंतिम दिनों में है, यानी कि 2-4 दिनों में ये स्कीम समाप्त हो जाएगी, और जब समाप्त हो जाएगी तो फ्री वाले स्टोन आपको नहीं मिलेगा, और आपको एक ही स्टोन मिलेगा, और हो सकता है तब दाम भी बढ़ जाए, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट में दाम बढ़ते हैं वैसे वैसे चीज़ों के दाम, ये तो हमारे पास स्टॉक है इसलिए हम आपको इतने कम दामों में दे रहे हैं, चांदी में बढ़ा हुआ सब कुछ बढ़िया। आप में से जिसको चाहिए, और बहुत सारे लोगों ने ले चुके हैं, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग मेरे जो दर्शक हैं वो ले चुके हैं, फिर भी जो कोई बचे हैं और मन बना रहे हैं तो ले लें, फिर बाद में देर हो जाएगी तो दिक्कत परेशानी आपको ही है, या तो मिलेगा नहीं, या देर से मिलेगा, या फिर फ्री वाला नहीं मिलेगा। तो L31 लिखकर दिए गए नंबर पर मैसेज कर दें, आपको जानकारी मिल जाएगी, कैसे ये आपके घर पहुंचेगा, कोरियर से पहुंचेगा, उसमें विधि विधान सब होगा, कैसे पहनना है, कैसे नहीं पहनना है। और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों को मिल चुका है वो इसके लाभ जरूर बताएं, जो भी उनको अनुभव हुआ है, ताकि और लोगों को भी प्रेरणा मिले, और वो लोग भी जान सके कि वाकई में कुछ उनके जीवन में अच्छा होना शुरू हो गया है। और जिन लोगों को नहीं मिला है उनको अति शीघ्र मिल जाएगा, तो आपकी बुकिंग आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आ सकती है। हरिओम, नमस्कार।